यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सरसों की खली में 40% प्रोटीन रहता है और आपकी मछलियों के अच्छे ग्रोथ के लिए प्रोटीन की मात्रा 25 से 45% चाहिए होता है। सोयाबीन की खली में 39% प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है, मूंगफली की खली में 42% प्रोटीन की मात्रा और जैसा कि हम बताएं सरसों की खली में 40% प्रोटीन की मात्रा। अब बात करें गाय के गोबर से होने वाले फ़ायदों के बारे में। फ़ायदे के बारे में हम विस्तृत जानकारी दें उससे पहले हम बता दें 2 से 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% फॉस्फोरस, 1% पोटेशियम। इसके अलावा भी गाय के गोबर में कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, जिंक, बैरोन, मैग्नीज, फाइबर और प्रोटीन भी पाया जाता है। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। जैसा कि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से हम आपको मछली पालन के संबंध में जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। प्रत्येक वीडियो में जो हमको समझ में आता है, जो जानकारी होती है, आपसे शेयर करने का प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गाय के गोबर से आपके तालाब में होने वाले फ़ायदे के बारे में, साथ ही साथ सरसों की खली से होने वाले आपकी मछलियों को फ़ायदे के बारे में। छोटा वीडियो होगा, ध्यानपूर्वक देखें। चैनल पर नए होंगे तो लाइक करेंगे। दूसरा, अगर आपको भी किसी भी अच्छी क्वालिटी की मछलियों का सीड चाहिए, आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, हम आपके रेलवे जंक्शन तक भेजने का प्रयास करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, एक हमारे कृषक बंधु हैं, हम उनके तालाब का दौरा किए तो पाए कि अपने तालाब में बड़े ही लगन से, मेहनत से वे पहले गाय का गोबर अपने तालाब में डालें। छोटा सा तालाब है, 15,000 स्क्वायर फीट का। इसमें वे IMC का पालन कर रखे हैं, साथ साथ ब्लैक कार्प का हम ही से सीड मंगवाए थे। इसलिए जो जो लोग हम उससे सीड मंगवाते हैं, हम उनके तालाब का दौरा करते हैं और उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं किस तरह से मछली पालन करना चाहिए। हम मुझे जो जानकारी होता है हम उनको बताते हैं और उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। तो उन्हीं के पास गए तो वे तालाब में गाय का गोबर जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले सारे तालाब में आप देख सकते हैं किस तरह से वह बाल्टी में लेकर के गाय का गोबर, आपको भी इसी तरह से करना चाहिए। ऐसा है कि हम उनको बताए थे कि किस तरह से आपको छिड़काव करना है, तो हमारे बताए हुए तरह से ही वे अपने तालाब में गाय का गोबर का छिड़काव कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बाल्टी में लेकर के उसको अच्छी तरह से मिला करके और पूरे तालाब में घूम घूम करके, चूँकि ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं है इसलिए कम मात्रा ही में ही गोबर डाले हैं और प्रत्येक दिन डालते हैं। आपको भी बता दें कि कम मात्रा में गोबर डालें तो प्रत्येक दिन आप डाल दें या एक दिन बीच करके डालें, जिस तरह से ये कृषक बंधु अपने तालाब में गोबर का छिड़काव कर रहे हैं। आगे हम बताना चाहेंगे, बहुत फ़ायदा होता है। जैसा कि हम बताएं इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारे केमिकल्स जो है पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, तो बहुत फ़ायदा होता है आपके मछलियों का ग्रोथ के लिए। खास करके आपकी ऊपरी सतह में रहने वाली जो मछली है, बहुत अच्छा प्लैंकटन का निर्माण होता है कतला मछली के लिए या सिल्वर कार्प मछली के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है गाय का गोबर। ऐसे तो सारी मछलियों के लिए फ़ायदेमंद है, इसमें नो डाउट है। आपका जयंती रोहू का भी सीड अगर आपने डाले हैं तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा गाय का गोबर। तो हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये अपने तालाब में गाय का गोबर का छिड़काव कर रहे हैं, आपको भी कम मात्रा में डालना है तो प्रत्येक दिन डालें या एक दिन बीच करके डालें, या अधिक मात्रा में आप डाल पाएंगे तो आप सप्ताह में एक दिन गाय का गोबर का प्रयोग करें। हाँ, अगर आकाश में बादल छाए हों तो उस पोजीशन में गाय का गोबर का प्रयोग तालाब में नहीं करें। अब हम बात करते हैं ये सरसों की खली के बारे में। गाय के गोबर के साथ साथ छिड़काव करने के बाद ये सरसों की खली, इसमें उन्होंने गुड़ मिलाया है, कुछ मक्का का दर्रा मिला लिया है, उसके बाद अपने तालाब में छिड़काव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सीड भी मंगवाए हैं, हम ही से मंगवाए हैं। आपको भी अगर सीड चाहिए होगा IMC का या फिर कार्प मछलियों का या फिर कैटफिश का अच्छे गुणवत्ता वाली, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे सीड मंगवा सकते हैं और इस तरह से आपको अपने तालाब में रेगुलर गाय का गोबर, सरसों की खली का छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर आप सीड मंगवाते हैं 1 इंची साइज का, 1/2 इंची फ्राई हो या स्पॉन हो, भोजन देना कभी नहीं भूलें। आप अपने तालाब में सरसों की खली का छिड़काव प्रत्येक दिन, उसमें भी दोनों टाइम, सुबह और शाम, जब आप 1 इंची का यानी फ्राई साइज का सीड स्टॉक कराते हैं अपने तालाब में, दोनों टाइम आपको सरसों की खली देना ही है। ये बात अलग है कि सरसों की खली का तेल के साथ साथ रेट बढ़ा हुआ है, फिर भी अच्छा ग्रोथ लेने के लिए आपको सरसों की खली डालना ही होगा। जिस तरह से ये डाल रहे हैं उसी तरह से आप भी डालें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए एक न एक दिन हम आपके तालाब पर भी आएंगे।
आपके तालाब पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमसे सीट लेंगे तो हम आपके पास आकर के आपके मछलियों का ग्रोथ देखेंगे और एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।